जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का इंग्लिश करेंगे फॉर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, यानी हाफ ईयरली एग्ज़ाम आप लोगों का 1 अक्टूबर के दिन जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है और सभी एग्ज़ाम आप लोगों का एक ही दिन हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसलिए हम जो है इंग्लिश के लिए आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपके परीक्षा की तैयारी हो पाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन भी अगर आपका छूटा तो हो सकता है कि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। एंड लास्ट में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहां से आप सभी वीडियो को देख लेना। चलिए शुरू करते हैं हम। टॉमी वॉक्ड अवे विथ द टेक्स्ट बुक बीनेथ हिज आर्म। टॉमी अपनी बाह के नीचे किस किताब को लेकर चला गया था, आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा डस्टी। कौन सी किताब को? डस्टी यानी कि धूल से भरे हुए किताब को वो अपनी आर्म में दबाकर लेकर चला गया, ठीक है, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द मार्गी इन एन ओल्डर टाइम्स स्कूल वेयर। हमारी वीडियो को सिर्फ आप दो बार देख लेना, याद मत करना, कॉपी में उतारने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो बार देख लेना, एग्ज़ाम देने चले जाना, आपका काम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मार्गी इन ओल्डर टाइम स्कूल वेयर, मार्गी के अनुसार पुराने समय में स्कूल जो था वो कैसा था? बिग था, ब्राउन था, फनी था, स्टूपिड था, कैसा था आपको बताना था, तो फनी था। ऑप्शन सी इज का राइट आंसर। हुज फादर न्यूज एज मच एज ए टीचर, ठीक है, मतलब किसके पिता एक शिक्षक के रूप में जाने जाते थे, किसके पिता आपको बतानी है, तो टॉमी के पिता, टॉमी, ऑप्शन ए, ठीक है। हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर मेंशन इन हिज चैप्टर, ठीक है, तो थ्री चैप्टर, कौन सा चैप्टर? थ्री चैप्टर, ठीक है, याद रखिएगा। कितने चैप्टर को मेंशन किया गया था? तीन चैप्टर को। व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल हु सेड दिस, ठीक है, हु सेड दिस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, ये किसने कहा था, ठीक है। तो ये जो कहा था इसको कहा था मार्गी ने, किसने कहा था? मार्गी ने कहा था, ऑप्शन बी। मार्गी हैड टू राइट आउट हर होमवर्क, मार्गी हैड टू राइट आउट हर होमवर्क, मार्गी को अपना गृह कार्य लिखना था, ठीक है, किस भाषा में उसको लिखना था, इन रशियन में, इन इंग्लिश में, इन पंच कोड में, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इन पंच कोड, यानी कि उनको पंच कोड में अपना होमवर्क लिखना था। आफ्टर फिक्सिंग द मैकेनिकल टीचर द बिग स्क्रीन डिस्प्ले, ठीक है, क्या मतलब हो गया कि मैकेनिकल शिक्षक ठीक शिक्षक को ठीक करने के बाद इस बड़े स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया, क्या मार्किस फेस को वहाँ पे प्रदर्शित किया गया था, ऑल लेसन एंड क्वेश्चन आंसर वहाँ पे पूछने वाला, या फिर ए रियल बुक को प्रेजेंट किया गया, या फिर नन ऑफ दीज, किसको जो है बड़े स्क्रीन पर प्रेजेंट किया गया था ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑल लेसन क्वेश्चन आस्क्ड, यानी कि जो क्वेश्चन वो पूछने चाहते थे उसको ही वहाँ पर बड़े स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया। The county inspector had a whole box of, ठीक है, मतलब क्या कि county inspector के पास एक पूरा बक्सा था, क्या चीज़ का बक्सा था ये आपको बतानी है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका टूल विथ डायल्स एंड वायर्स, यानी कि टूल विथ डायल्स एंड वायर्स, जो उसके औजार होते हैं और जो तार वार होते हैं ना, तो उसका है ना डायल और तार वाले उपकरण का उसके पास क्या था? बक्सा था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि व्हाई डिड मार्गीज हैड टू स्कूल नो मोर देन बीवर, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि मार्गी जो है स्कूल से पहले नफरत जो है स्कूल से पहले से भी नफरत क्यों करने लगी थी, ठीक है, ये बताना है। ऑप्शंस हो जाएगा इसका आपका बिकॉज ऑफ हर स्कोर्स इन ज्योग्राफी विच गेट्स हॉर्स एंड वर्स, क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब हो गया कि जो भूगोल में उसके अंक खराब होते जा रहे थे, ठीक है, भूगोल में उसके अंक जो है दिन प्रतिदिन क्या होते जाते, खराब होते जा रहे थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका मार्गीज वाज स्कॉर्नफुल अबाउट, ठीक है, स्कॉर्नफुल अबाउट, मतलब है इसका कि मार्गी इन बातों को लेकर उपहासपूर्ण थी, यानी कि उपहासपूर्ण, स्कॉर्नफुल, किन बातों को लेकर के थी वो आपको बतानी है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शंस नंबर आपका बी। नोइंग डैट द रियल बुक डिटेल्ड अबाउट द स्कूल,
ठीक है, क्या हो जाएगा। तो यह वो जानना चाहती थी कि असली किताब में स्कूल के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, ये दी गई है या नहीं, ठीक है, वो जानना चाहती थी इस बात को, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट होगा, अकॉर्डिंग टू टॉमी द रियल बुक वाज, ठीक है, टॉमी के अनुसार असली किताब कौन था, बोरिंग था, वेस्ट था, रॉन्ग था या फिर फिक्शन था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वेस्ट, ठीक है। चलिए, द किड्स इन द ओल्ड स्कूलिंग पैटर्न वेंट होम टुगेदर, इसका अर्थ हो गया कि आपसे पूछा गया है इसमें कि पुराने स्कूल पैटर्न के बच्चे एक साथ घर गए, ठीक है, पुराने स्कूल के जो पैटर्न के जो बच्चे थे वो एक साथ घर गए, किस मौके पर गए थे वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा एट द एंड ऑफ डे, एट द एंड ऑफ डे, दिन के अंत में गए थे, किस मौके पर गए थे, दिन के अंत में। व्हाइल इंसर्टिंग हर होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट, ठीक है, अपना होमवर्क उचित स्थान पर डालते समय मार्गी सोच रही थी, क्या और किसके बारे में सोच रही थी, डेजर्ट के बारे में, वेकेशन इन तुर्की के बारे में, ओल्ड स्कूल के बारे में या फिर टॉमी के बारे में, तो क्या सोच रही थी वो, तो वो सोच रही थी अपने पुराने स्कूल के बारे में, ओल्ड स्कूल। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू, इसका मतलब क्या हुआ, असली किताब में शिक्षक ने क्या किया, ठीक है, व्हाट डिड, तो उसने जो किया वो क्या किया कि टाउट एंड गेव क्वेश्चन इन पर्सन, क्या किया, टाउट एंड गेव क्वेश्चन इन पर्सन, व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया और प्रश्न पूछा, टीचर ने क्या किया, व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया और उसी से क्या किया, प्रश्न पूछा। व्हाई डिड मार्गी फाइंड द ओल्ड स्कूल इंटरेस्टिंग, मार्गी को पुराने स्कूल में दिलचस्पी क्यों लगी, ठीक है, अब इसका आंसर बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिकॉज ऑफ द फन, मौज मस्ती के कारण, बिकॉज ऑफ ह्यूमन टीचर, मानव शिक्षकों के कारण, बिकॉज ऑफ मैनी फ्रेंड्स, वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड थे, या फिर ऑल, तो इसका राइट आंसर ऑल हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत से लोग कह रहे थे कि भैया हमारा नाम ले लीजिएगा वीडियो में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियोस के कमेंट में अपना नाम और कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं अपने शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लिया जा सके। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।